लोग कहते हैं आपको आपके कर्मों का फल जो है वो स्वर्ग या नरक में मिलता है, बट मेरा मानना है कि आपको आपके कर्मों का फल हमेशा इसी धरती पर और इसी लाइफ में मिलता है। तो हाय गाइस, मैं हूँ इंदु चौधरी, फाउंडर ऑफ shop250.com। आज हम बात करने वाले हैं कर्मों के बारे में, ये कर्म क्या होता है, किस तरीके से ये खराब होते हैं, कैसे इन्हें ठीक किया जा सकता है, और शेयर करूंगी कुछ एक स्टोरीज जिनके थ्रू आपको पता लगेगा कि हाँ ये रियलिटी है और कर्म, जैसे कर्म आप करते हैं वैसे ही रिजल्ट आपको बहुत ही जल्दी से देखने को मिल जाते हैं। तो शुरू करते हैं पहले एक सिंपल सी स्टोरी से, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये कर्म जो होते हैं कितने इफेक्टिव होते हैं, ये स्टोरीज जो आपने अभी तक सुनी है ये सच होती हैं या झूठ होती हैं। तो आज जो स्टोरी मैं आपको बताने वाली हूँ ये है रियल लाइफ स्टोरी जो मैंने अपने खुद अपनी लाइफ में देखी है, वो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। मेरे एक क्लाइंट थे, एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर हुआ करता था एक टाइम पर, बहुत ही पावरफुल इंसान थे वो, बहुत कुछ उनके पास हुआ करता था, नाम थी, शोहरत थी, सब कुछ जो आप सोच सकते हैं उनके पास था। उस टाइम के ना रईसों से रईस माने जाते थे वो, उनका जो करियर था वो पूरी तरीके से अपने चरम सीमा पे था, वो बहुत ही पावरफुल थे, पर उनका जो व्यवहार था वो अपनी वाइफ को लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, अपने बच्चों को लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ना तो वो अपनी वाइफ के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन रख पाए, ना वो अपने बच्चों को तरीके से पाल रहे थे। उन्होंने अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया और डालकर लगभग भूल गए उनकी परवरिश में उन्होंने कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं करी, वो किस तरीके से पढ़ रहे हैं, किस तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग हो रही है, इस पर उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने करियर, अपने बिजनेस के ऊपर था। और कुछ ही टाइम बाद जब उनका बड़ा बेटा अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आया तो उसके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अपने फादर को लेकर ऑलरेडी थी, तो वो नेगेटिविटी जो थी वो एक नफरत का काम कर रही थी और उसने अपने फादर से बदला लेने की सोची, और ये नफरत उसके फादर के लिए बहुत ही गलत साबित होती है क्योंकि उसके फादर ने अपनी लाइफ में बहुत ही गलत कर्मास किए थे, उनके कर्मास अपनी वाइफ को लेकर, अपने बच्चों को लेकर और इवन दूसरे जो उनके रिलेटिव्स फ्रेंड्स वगैरह थे उनको लेकर भी बहुत बहुत गलत थे, वो गलत प्रैक्टिसेस से पैसे कमा रहे थे। तो ये कर्मा जो थे उनके सामने आने ही आने थे और वो आए उनके ही बेटे के रूप में। उनके बेटे ने कुछ ही टाइम बाद अपने फादर की पूरी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा कर लिया और सारी जितनी भी पावर थी वो अपने फादर से छीन के अपनी तरफ कर ली, बट उसने पूरी तरीके से तख्ता पलट के रख दिया अपने फादर की उस पावर का। और आज के टाइम में आप देखोगे कि जो वो फादर उस टाइम पे इतने पावरफुल हुआ करते थे, आज वो पूरी तरीके से बेचारगी की लाइफ जी रहे हैं। उनके पास अब लाइफ में कोई भी एक्साइटमेंट कुछ भी नहीं बचा है, उनका जो बिजनेस था वो पूरी तरीके से डूब चुका है, उनकी जितनी प्रॉपर्टीज थी वो सब कुछ वैनिश्ड हो चुका है। अब उनका जो बिजनेस एम्पायर था ना वो कहीं भी नहीं है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, और किसने किया, उनके खुद के बेटे ने। जैसे उनके कर्मा थे वो ही उनके पास वापस आए और इसी लाइफ में उनके पास वापस आए। और ऐसी बहुत सारी और स्टोरीज भी मेरे पास भी हैं, आपके अराउंड भी होंगी, जिनमें आपने देखा होगा जिन लोगों ने कुछ गलत किया है वो उसके साथ कुछ ही दिनों बाद ऐसा होता है कि उनके लाइफ में वो कर्मास जो होते हैं वो वापस आते हैं। तो हमें हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि हमें अपने कर्मों को हमेशा पॉजिटिव रखना है, हमेशा सही रखना है, तभी हमारे जो आगे की लाइफ है वो बेटर हो पाएगी। जब हमारे कर्म गलत होते हैं ना हमको रात को नींद आती है, हमें हमेशा डर लगा रहता है जो आज हमारे पास है उसके खो जाने का, तो उस खो जाने के डर से ही हम हमेशा इतने परेशान रहते हैं कि अपने बैड लक को ही अपनी तरफ इनवाइट करते रहते हैं। तो इसी वजह से हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान रखना है, अपने कर्मों को हमेशा ठीक रखना है ताकि आगे जाकर वो कर्माज हमें बैड लक में ना डालें। कर्मों को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, तो इसके बहुत ही सिंपल से कुछ एक तरीके हैं जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ।
सिंपल से तरीके हैं जिनको फॉलो करके आप अपने कर्मास को बहुत ही पॉजिटिव कर सकते हैं। फर्स्ट आप डोनेशन करना स्टार्ट करिए। डोनेशन जो होती है ना, वो आपकी पूरी एनर्जीज को चेंज कर देती है। दूसरे लोग भी आपको ब्लेस करना स्टार्ट कर देते हैं जब आप दान करना स्टार्ट करते हैं। तो दान करने से आपके जो कर्म है वो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। सेकंड, आप दूसरों की हेल्प बहुत करें। जितना आप ज़्यादा लोगों की हेल्प करेंगे उतना ही आपके पास भी फेवर्स आना शुरू हो जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएंगी। बी हम्बल्ड, कभी भी बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक ना होए। छोटे लोगों को लेकर तो कभी भी आपको गलत ईगो नहीं रखनी है, उनके साथ हमेशा अच्छे से बिहेव करना है। हम्बल्ड फीलिंग हमेशा आपको रखनी है, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, आपको एकदम हम्बल रहना है। रिस्पेक्ट एवरीवन, आपको हर किसी की रिस्पेक्ट करनी है, चाहे किसी का स्टेटस छोटा हो चाहे किसी का स्टेटस बड़ा हो, आपको हमेशा हर एक पर्सन की रिस्पेक्ट करनी है। इवन अपने बच्चों की भी रिस्पेक्ट करना सीखिए, क्योंकि वो भी एक अलग माइंड है, एक अलग लाइफ है। वो आपके बारे में जिस तरीके की फीलिंग्स को अपनी माइंड में कल्टीवेट करते हैं, आगे जाकर वो आपको उसी तरीके के फ्रूट्स देती है। अगर आप उनसे अच्छे से बिहेव आज करते हैं तो आगे जाकर वो आपके लिए आपका राइट हैंड बनते हैं, और अगर आप उनके साथ गलत बिहेव करते हैं तो आगे जाके वो आपको हमेशा ट्रबल में ही डालेंगे। बी ऑनेस्ट टू एवरीवन, हमेशा ऑनेस्ट रहिए, कभी भी बेईमानी ना करें। जैसे कि झूठ बोलना, चीटिंग करना, ये सारे कर्म जो होते हैं नेगेटिव कर्म हैं, जो आगे जाके आपको हमेशा 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 ट्रबल्स में डालेंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको अगर आप समझ जाते हैं और अपनी लाइफ में उतारते हैं तो आपके कर्म जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, और जिनकी वजह से आपको हमेशा सुकून भरी नींद आती है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप हमेशा दूसरों की लाइफ में वैल्यू एडिशन ही कर रहे हो, तो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता है। और ये जो फीलिंग होती है ना, ये हमेशा आपकी तरफ गुड लक को, ब्लेसिंग्स को ही अट्रैक्ट करती है। तो कर्म और कुछ नहीं है, आपके खुद की मन की शांति ही है। अगर आपने कुछ किसी के साथ गलत किया होता है तो वो शांति कहीं खो जाती है, उसकी वजह से आप खुद सोचने लगते हो कि मैंने किसी के साथ गलत किया था तो मेरे साथ आगे जाके गलत हो सकता है, और जैसा आप सोचना शुरू करते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो। तो इसीलिए अपने कर्मास को जब आप ठीक रखते हो तो आपके अंदर की फीलिंग जो होगी वो हमेशा सूदिंग होगी, तो वही आप अपने फ्यूचर में अट्रैक्ट करते हैं। और ये चीज़ें हमें हमेशा अपने माइंड में बना कर रखनी है कि अगर इन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं तो हमारे जो कर्माज है वो हमेशा सही रहने वाले हैं। तो ऐसी बहुत सारी माइंड रिप्रोग्रामिंग वीडियोस में आगे हमेशा आपको लेके आती रहूँगी। और इसी तरीके की वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की वीडियोस के अपडेट्स आपको अगर हमेशा चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन लेने के लिए। हमारे फेसबुक पेज पर आज ही बुकिंग करें, अभी आपको वेलकम कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री मिल रहा है, इसकी वर्थ है 15,000 रुपीज, अभी फ्री मिल रहा है, तो फायदा जरूर 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 उठाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। टिल देन गुड बाय।